नमस्कार, न्यूज 5 पीएम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पाड्डी काली मंदिर स्थित मंदिर परिसर में आज गुरु पूर्णिमा को लेकर पूजा आयोजित की गई, जिसमें शहर के गणमान्य एवं अन्य लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किए। नमस्कार, मैं हूँ नरगी शेख, न्यूज 5 एम जमशेदपुर से। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर पाड्डी चौक में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काली मंदिर के पास मैं खड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज गुरु पूर्णिमा है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पूजा होती है। और दर्शकों, मैं ये चीज़ आप लोगों तक ये भी पहुँचाना चाहूँगी कि हिंदू धर्म में जो भी अगर जमशेदपुर अगर आते हैं तो आने से पहले ये काली मंदिर पड़ती है, जहाँ पे वो कोई भी रहे वो यहाँ पे मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद वहाँ भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ये जमशेदपुर एंट्री करते हैं। गुरु पूर्णिमा की आज पूजा है? हाँ, गुरु पूर्णिमा की पूजा है। ये बाबा का दर्शन हम लोग करने आते हैं। आज 12 साल से हम लोग रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छे से बाबा भव्य तरीका से आयोजन करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से इनका प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं और जानकारी भी लेते हैं। यहाँ हमारे साथ खड़ी है बहुत जानी मानी उषा जी। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि जो बड़े पैमाने पे जो पूजा हो रही है, इनसे जानकारी लेती हूँ। पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमारे काली मंदिर के विद्यानंद सरस्वती जी को चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ और पूरे झारखंड वासी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। साथ साथ ही मैं झारखंड राज्य फिजियोथेरेपी काउंसिल मेंबर के साथ 45 संस्थाओं में काम कर रही हूँ और मेरा इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा और लगाव है। चूँकि मैं जैसे ही बाबा का पैर छुई थी और पार्डी में आके, तो मेरा यहाँ आशियाना वुडलैंड में घर हुआ। तो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी इस एरिया में आने के लिए। तो आज ये जागृत इतना है कि यहाँ 10,000 से ऊपर लोग हर प्रोग्राम में नित्य निरंतर लंगर छकते हैं, भोजन अपना ग्रहण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये बहुत ही जागृत माँ काली माँ का मंदिर है। और आप साथ ही में हमारे साथ खड़ी हैं केंद्रीय राष्ट्रीय गुजराती सनातन संघ की प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं विनीता शाह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गुजराती सनातन समाज की। और क्या कहते हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय वैसे महासम्मेलन की झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा समिति की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमारे सर्वप्रथम गुरु जी को सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ। आप सभी हमारे राज्य के लोगों को, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और सभी को गुरु जी का आशीर्वाद मिले, यही मंगल कामना करती हूँ। और आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रमोद जी। मैं प्रमोद राव, पूर्व प्रमुख चांडिल प्रखंड सह ग्राम प्रधान आसन बनी। मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर मैं गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और सभी झारखंड वासियों को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे इस माता जी का मंदिर में मेरा तो रोज़ आना जाना है। सुबह पर डे मैं सबसे पहले माता जी का पूजन करता हूँ, उसके बाद ही कोई काम मेरा होता है। तो आज मेरा कुछ नहीं था, आज कुछ से कुछ है, इसलिए माता जी का बहुत बड़ा कृपा है और मेरे गुरु जी का। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हर सबको हार्दिक बधाई। मैं कुलजीत कौर, मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल। आज बहुत ही खुश हूँ कि मेरे यहाँ आना हर समय सफल होता है। जितनी बार मैं आई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब भी आते हैं। और आज का दिन बहुत ही बड़ा है और मैं उषा जी को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आज के दिन यहाँ बुलाया। हमें सब संगत का दर्शन हुआ, लंगर कराया गया, गुरु जी से भेंट हुई। बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें सबको आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सबको बहुत 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 बधाई। अपने गुरु के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें आज के दिन। धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। इस मंदिर से हम लोगों का काफ़ी लगाव है और बहुत ही खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है यहाँ आकर। इतने भक्तों को यहाँ पे देख के और बाबा जी के दर्शन करके बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद।